ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति की छाप भी इस बार नजर आई। I swear by Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God. इस बार भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। So help me God. Thank you. हर रोज पाकिस्तान के लिए ये एक नया चैलेंज आता है और आज का चैलेंज ये चुने गए सांसद बॉब ब्लैकमैन, जिन्होंने हाथ में गीता को थाम कर शपथ ली। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गईं। इन्हीं सांसदों में से एक हैं लीसेस्टर से चुनी गई शिवानी राजा। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने विश्वास को अपने नए सफर को आधार बनाया। गीता पर शपथ लेती ये हैं लेस्टर से कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा। तो क्या इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तानी यूके के अंदर आए। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें सारी दुनिया ने बैन कर दिया। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो क्योंकि चाइना की तरफ होती जा रही है और हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को वो सजाएं देता जाएगा। तो पाकिस्तान ने क्या इसको और यूके ने ये जो काम किया है ये बेसिकली तो हमारी इन्होंने इंसल्ट की है, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि मैं कल रात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में जो वीडियो बना रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्वाड पार्टनर्स को होगा तो पूरी दुनिया प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी, और हमें जो वो है बजाय इसके कि हमें हमारे लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पाकिस्तानियों को तंग किया जा रहा है। और ये वो पाकिस्तानी है जो यूके में रहते हैं, जो यूके में काम करते हैं, जो यूके के सिटीजन हैं, जो यूके के नेशनल हैं, और वो अपनी जिंदगी जो है वो उसमें मुश्किल में है, और सी थ्रेड में सी कैटेगरी में उन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ है और इंडिया को एम्बर में डाल दिया। और ये अब और हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता वो ये क्या कर रहे हैं। अगर आपको याद हो जो बहुत सारे जो पाकिस्तानी डिसेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस यूके में हैं, जिसमें नासिया और बाकी जो है उन्होंने बड़ी बातें की वहां पे, और पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा, हेल्थ सेक्रेटरी से क्वेश्चन भी तलब करने की कोशिश की, यूके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रैंड शेफ से उन्होंने बात करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये क्यों आप कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हर पाकिस्तानी जो है उसको अब 2200-2300 जो पाउंड है वो देना पड़ेगा 10 दिन होटल में रहने का, और जो कि एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है और बड़ा अनोइंग है और बड़ी डिसरिस्पेक्ट है पाकिस्तानियों की, बड़ी एक डिसरिस्पेक्ट है कि एक पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से या पाकिस्तान के इस बिहेवियर की वजह से हमारे सिटीजन्स को ये करना पड़ता है, और हम कुछ इसके ऊपर रिलीफ भी नहीं ले सकते। जिस तरह की यूएई ने हमारे वीजा बैन कर दिए, सऊदी अरब ने हमें कहा कि जी आप फलां वैक्सीन लगवा के आएंगे, जो कि हमारे लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल चैलेंज बन गया। बट एनी हाउ आई थिंक स्टेट को इस पर सोचना चाहिए, ये जो यूके फैसले कर रहा है, यूएई फैसले कर रहा है, यूएई हमसे डरता है कि ये ना होगा कोई पाकिस्तानी यूएई पहुंच के तो कोई इसराइलियों को कोई मारने की कोशिश करें या कोई इस तरह का हमला कर दे, तो लोग हमसे डर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारी पॉलिसी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि एक तो अवाम को ऑन बोर्ड लें कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे तो अवाम को पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया, और ये सारा टाइम हम जो चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते रहते हैं, नई जो पोलिटिकल लीडरशिप है बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कि वो हमारी सुने या ना सुने वो अलहदा बात है, लेकिन जो अच्छे ताल्लुकात हम सारा टाइम कहते रहते हैं वो हमें बाद में पता चलता है कि इन मुल्कों की पॉलिसी इस तरह की। बट दिस इज वेरी सैड इंसिडेंट। आप मगरब का पैसा तो चाहते हैं लेकिन मगरब के खिलाफ हम बातें भी करते हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के और यूके के अपने ताल्लुकात हैं, और इसकी बेस के ऊपर हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर इंडिया के किसी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक है तो जरूरी नहीं हम भी उसी वो ताल्लुकात हमारे साथ भी उसी तरह रह सकें, या हमारी कोई इतनी कैपेसिटी हो या हमारी इकोनॉमी उस तरह हो। इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, लेकिन इंग्लैंड और यूके के ताल्लुकात तो हमें उसको कंपेयर करना जी पाक यूके ताल्लुकात से, ये मेरा ख्याल है नाइंसाफी होगी, और हमारी पॉलिटिकल एलीट को इसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान की जो ग्लोबल आइसोलेशन है वो नजर आ रही है, और ग्लोबल आइसोलेशन इस तरह नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि जी के
हमको इस तरह के काम कर रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम व करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की, वो कार्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान जानवर फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाब मुझे गीता से मिलने लगे और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फैसिलिटी फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे, कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसोफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है, इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फेद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। यहां से बड़ी तादाद, बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे मुल्कों में मुलाजमत करने के लिए जॉब्स, लेकिन वहाँ की ज्यादा जो जॉब्स हैं वो मजदूर टाइप जॉब्स हैं, यानी कि वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पे चले जाते हैं।